आपका co-founder कौन है? अब मिसाल के तौर पे मैं आप समर co-founder है इस कंपनी के, तो इससे इन इटसेल्फ बहुत बड़ी फील्ड है कि आपको पता होना चाहिए किसको co-founder उठाना है और किसको नहीं। हम नॉर्मली क्या होता है कि तीन पार्टीज में मिले या तीन जगह मिले, तीन दोस्त बने, तीनों के माइंड में बिजनेस आता है, चल भाई तीनों co-founder है, तू CEO बन जा मैं प्रेजिडेंट हूँ, यू नहीं होता। इसका पूरा क्राइटेरिया होता है कि आपको, क्योंकि ये करना शुरू में आसान है कि आप लोग तीन पार्टनर, खासतौर पर साइम आप लोगों के लिए ये कि तीन पार्टनर लॉन्च कर दिया, दैट्स इट, रियल गेम स्टार्ट्स नाउ। और हमें आज भी याद है, मैं पहली मतलब कंपनी रजिस्टर करवाने गया था, समर बताया गया, ये दो सामने हमने सर्टिफिकेट लगे, उन्होंने साइन करवा रहा, जो हमारा लीगल एडवाइजर है उसने साइन करवाया। और सलमान साहब आप सुन रहे हैं तो थैंक यू टू यू, और अगर आप नहीं सुन रहे तो भी थैंक यू टू यू। उन्होंने हमें एक बात कही और वो मुझे अभी तक यहाँ पे झुकी, उसने कहा कि साइन हो गए, हमने कहा हो गए, CEO कौन है? हमने कहा समर। प्रेसिडेंट कौन है? आमिर। अच्छा तो रोल्स कैसे आप लोग परफॉर्म करेंगे? मैंने कहा कि मैं बैकअप डी एंड रहूंगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करूंगा, और समर जो है वो बिजनेस इक्विपमेंट बढ़ाएगा, मतलब बिजनेस की एक्टिविटी समर देखेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप हूं तो मैं नॉर्मली प्रोडक्ट डेवलप करूंगा, तो ये हमारे रोल है। उसने कहा यहां तक तो ठीक हो गया, एक बात आप सुन लो, प्रॉब्लम यहां तक थी नहीं, प्रॉब्लम अब शुरू होगी, और प्रॉब्लम उस दिन शुरू होगी जब तुम लोगों ने पैसा कमाना शुरू करना है। क्या कमाना शुरू करना है? पैसा। जब तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट में मनी आना शुरू होगा तो तुम दोनों में फूट पड़ना शुरू होगी, तुम दोनों में लैक ऑफ ट्रस्ट बनना शुरू होगा, तुम दोनों को एक दूसरे की बात के ऊपर एतमाद उठना शुरू होगा, तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर शक करना शुरू करोगे कि और ये मेहनत कम कर रहा है मेहनत, तो वो ना करना तो तुम सर्वाइव कर जाओगे। अब करियर क्या है, आपकी को फाउंडर कौन है, ये चॉइसिस क्या है। अब करियर के साथ ही दो जो वर्ड बहुत जुड़े हुए आते हैं वो है जॉब एंड वर्क, जॉब एंड वर्क। आप मुझे बताएं ये दोनों स्टेटमेंट एक जैसी हैं या अलग अलग हैं? आमिर से कोई पूछता है कि आज का दिन क्या किया, मैं कहूं कि मैंने आज जॉब की तलाश में गया था। आमिर आपने आज क्या किया? मैं आज काम की तलाश में गया था। आर दीज बोथ स्टेटमेंट सेम और नॉट? मैं वर्क की तलाश में गया था, मैं जॉब की तलाश में गया था, जो कहेंगे ये सेम नहीं, हम फर्क बताएंगे, सोच लें, ठीक है? तो ये सेम है कि नहीं? अभिभाग का कहना सेम नहीं है, और एनिमन एल्स नहीं है सेम, क्या फर्क है इनमें? जॉब जो है ना ये एक वेग सा वर्ड है, हम लेने जा रहे हैं, और वर्क जो है मेरे उस स्किल पे से सकता है जो मैंने किया है, और को देने जा रहा हूं। आपको लगता है ये क्लियर आंसर है? ये चीज हमारी क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए करियर क्लास क्रिएट की गई है। ये वो क्लास है जिसके अंदर आप बैठेंगे तो आपके वो बारीक बारीक रेशे जो यहाँ पे हैं, और आपको पता है सब आंसर्स का, इसमें कुछ नया नहीं सिखाया जाएगा, इसमें उन्हीं चीजों को अरेंज किया जाएगा इस ऑर्डर में कि आपके सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाए। बल्कि जब आपके पुराने क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे तब ब्रेन नए क्वेश्चन की तरफ जाएगा, ठीक है? अभी मेरे माइंड में ये चल रहा है और अगले 100 रुपए जो पाकिस्तानी सोच, अगले 100 रुपए कहां से निकालूं, कौन देगा? अब मैं ये सोचते वक्त एट ए टाइम ये नहीं सोच सकता कि मैं अपने बिजनेस को 1 मिलियन की रीच कैसे लूं, क्योंकि दोनों अलग क्वेश्चन है। 100 रुपए आ गए जेब में, 100 रुपए यहां पड़े हुए, तो अब मैं सोचने के लिए तैयार हूं कि हाउ टू मेक अ मिलियन, ठीक है? तो वर्क और जॉब में क्या फर्क है वो बता देता हूं। जॉब वो है जो कोई आपको ऑर्डर करे और आपने करना है, वो जॉब है। और जब आप अपनी मर्जी का कोई काम, मतलब जो आपको ऑर्डर नहीं किया गया और आपने करना है, वो वर्क है। तो आपकी जिंदगी का वर्क आपको बुला रहा है, जो कि समर ने टर्म यूज किया सोल सिग्नल, वो सेकंड बुक में मैंने लिखा था कि जब हम नहा रहे होते हैं, लेटे होते हैं, रिलैक्स मोड में होते हैं, तब अंदर से एक आवाज आती है, वो आपका वर्क है, वो आपको बुला रहा है। उसके लिए कोई आपको ऑर्डर नहीं देगा, वो आपने खुद करना है। आप ये कहते हैं ना मैं वर्क की तलाश में निकला हूं, काम की तलाश में निकला हूं, उससे फारिग बंदा है ही कोई नहीं। काम की तलाश में नहीं निकलना, काम तेरी तलाश में निकला हुआ, वो तुझे बता रहा है कि तेरे जिम्मे ये लगा हुआ है। भाई हम काम की तलाश में निकले हुए, जब आप जॉब की तलाश में निकले हुए तब तो सेंस बनती है कि यार मैं ये CV लेके निकलूंगा, हाँ भाई कौन है मेरा मालिक जो मुझे ऑर्डर देगा आज के बाद। अब आप सोचे कितना फनी सिनेरियो बन रहा है। फनी सिनेरियो ये है कि डिग्रीज के नीचे आपने एक चीज लिखी होती है, वो स्किल्स लिखी हुई है, भाई स्किल्स लिखी हुई है, और अब आप कह रहे हो कि यार ये मुझे आता है, कोई मुझे ऑर्डर करे फिर देखो मैं कैसे करता हूं। सोचो अगर यूं हो कि हर रोज आपकी वालदा या आपकी बहन या आपके घर में काम करने वाले बैठे रहते, आता तो है आटा गूंदना, कोई ऑर्डर करे ना सोचे, ठीक है? एक्टर हर सीन के पहले कहना शुरू कर दे, आता तो है करूंगा नहीं, ऑडियंस से कोई आके कहेगा तो करूंगा, कैसा साउंड कर रहा है, अजीब लग रहा है ना, फनी लग रहा है। आप अपने साथ भी यही मजाक करें, जिन लोगों ने CV बनाई हुई है, मैं अक्सर कहता हूँ कि CV की बजाय आप लोग बायोग्राफी बनाना शुरू करें।